झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने जोर शोर पर है और इस जोर शोर के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री भी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के करीबी के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से कर डाली। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश को लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मंत्री आलमगीर, जिसके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी, ये पैसा झारखंड के गरीबों का था जिसे लूट कर जमा किया गया था। सीएम योगी ने आगे कहा कि मंत्री के साथ साथ 9 करोड़ रिश्तेदारों के घरों में भी कैश बरामद हुआ था, ये सब झारखंड वासियों का पैसा था। लूट का इससे घटिया स्तर और दूसरा कहीं नहीं देखा जा सकता। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्यों को बुला रहे हैं, एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। एक आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की कंटियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की कंटियां, उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी, ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। झारखंड के कुडरमा में बोलते हुए सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में जो बुलडोजर चलना शुरू किया, उसके बाद से कुछ जेल में हैं और कुछ का राम नाम सत्य हो गया है। यूपी से माफिया का सफाया हो गया है, जैसे गधे के सिर में सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही। आपको बता दें कि ईडी की टीम सोरेन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी कर 30 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया था। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद ईडी ने नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई थी। अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट से कुछ आभूषण और दस्तावेज भी बरामद किए थे। गौरतलब है कि सीएम योगी से पहले असम के सीएम हिमंता शर्मा ने भी आलमगीर आलम पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वर्तमान सोरेन सरकार को मंत्री इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। आलमगीर के घर से अकूत संपत्ति बरामद की गई है, फिर भी उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इरफान अंसारी महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस टिकट दे रही है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।